तो दोस्तों, अगर आप अपना अनसपोर्टेड विंडोज पीसी में एंड्रॉइड एप्लीकेशन यानी कि WAS विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये जो वीडियो है को पूरा तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा मेथड बताने वाला है जिसको फॉलो करके आप अपना विंडोज पीसी में चाहे वो 4GB रैम हो, 8GB रैम हो या 16GB रैम हो, उसमें आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो WASA और रन कर सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ये जो मेथड है विंडोज 10 और विंडोज 11 बोथ पीसेस के लिए काम करेगा। अगर आप अगर मेरे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस और ट्यूटोरियल वीडियोस में अपडेट में अपलोड करता आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद वायरस मेनू को एक्सेस करना। वायरस मेनू को कैसे एक्सेस करना, इसके लिए इस फोटो को रेफर में ले सकते हो, अदरवाइज आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। वायरस मेनू में जाके आपको अपना पीसी का वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल कर देना है। नेक्स्ट, आपका पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद स्टार्ट मेनू में क्लिक करें और सर्च करें फीचर्स। फिर यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, इसको आपको ओपन करना है। थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ये दोनों को इनेबल करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको भी आपको इनेबल करना है। फिर ओके पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। नेक्स्ट फेज से पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद आप अपना कोई भी ब्राउजर को ओपन करें और ओपन करने के बाद इस लिंक को ओपन करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल विंडोज 11 और विंडोज 10 का फाइल देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपको विंडोज 11 का ARM प्रोसेसर्स का भी यहाँ पे फाइल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस पेज में आप आओगे तो यहाँ पे कितना क्या रिक्वायरमेंट्स है, GPU के कौन सा रहना चाहिए, यहाँ पे SSD इस्तेमाल मस्ट है, SSD इस्तेमाल करना ही चाहिए। फिर आपका विंडोज पीछे क्या क्या चीजें करना है, इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, अपडेट कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, बैकअप एंड रिस्टोर, यूजर डेटा कैसे करना है, ये सारा चीज यहाँ पे गाइड दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो फॉलो बैक कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो विंडोज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, ये दूसरा पेज में चला जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे विंडोज 11 है तो यहाँ पे मैं विंडोज 11 के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे विंडोज 11 के लिए अगर आपको लेटेस्ट चाहिए विंडोज 10 या 11 के लिए, तब आपको यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये पेज लेटेस्ट पे चला जाएगा। फिर थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज में ना पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा कि कौन सा वर्जन में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे WASA रिलीज्ड 90 माइंड द जी एप्स, दैट मीन्स यहाँ पे कंटेंट्स गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे सर्विसेस रहेगा, यहाँ पे अमेजन एप स्टोर नहीं रहेगा। वैसे भी अमेजन एप स्टोर हम लोगों को नहीं चाहिए, गूगल एप स्टोर रहेगा तो उसी में से कम चला लेंगे। तो आपको नीचे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो है 90 माइंड द जी एप्स, इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप ब्राउजर को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना कंप्यूटर में विन की प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है gpedit.msc, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसको डबल टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको विंडोज कंपोनेंट्स में जाना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडोज पावर शेल, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्न ऑन स्क्रिप्ट एक्सिक्यूशन, इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपका नॉट कॉन्फिगर्ड रहेगा तो आपको यहाँ पे इनेबल इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको अलाउ स्क्रिप्ट्स सिलेक्ट करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट, आप दिस पीसी में चले जाओ। दिस पीसी में जाने के बाद डाउनलोड फोल्डर में आपको यहाँ पे WASA का जो फाइल है ये दिख जाएगा। इस zip फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये जब तक एक्सट्रैक्ट होता है आपको इंतजार करना है। अब ये जैसे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अभी आप इस zip फाइल को डिलीट कर सकते हो। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो फाइल है आपका, इस ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आपको डिलीट नहीं करना। ये अगर आप डिलीट करोगे तो आपका जो WASA है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो बेहतर है ये जो WASA फोल्डर, ये आप सी ड्राइव या कोई भी दूसरा एक ऐसा ड्राइव में मूव करके रखो जहाँ पे इसको डिलीट करना ना पड़े। अभी आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, फिर से डबल टैप करके जाना है। फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाम का एक फाइल दिखेगा, इसको राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रन विद पावर शेल क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इंतजार करना है जब तक ये कम्प्लीट नहीं होता है। अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर से एक इसको भी कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इंतजार करना है कि कब प्ले स्टोर ओपन होकर आता है ऑटोमेटिकली। अब देखो जैसे ये कम्प्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ पे प्ले स्टोर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको जस्ट साइन इन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। अब जैसे लॉग इन हो जाएगा आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। अभी आप सब कुछ क्लोज कर दे सकते हो। ओके, क्लोज हो गया। अब स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च करें। यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके उसको चला सकते हो। एक और चीज, कभी भी अगर आपका WASA सही से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है और आपको सर्च करना है विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग, इस पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको डेवलपर मोड को इनेबल कर देना है, बाकी ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। उम्मीद करता है ये जो वीडियो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं तो आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।